मेरा नाम है प्रदीप कतरी, आप देख रहे हैं techlove.com और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पीओई डिवाइस के बारे में। जी हाँ, अगर आप बहुत टाइम से इसको सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि ये डिवाइस आखिर होता क्या है और ये कैसा दिखता है, उसके बारे में आप क्या पता लगा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके घर पे लगे हुए इंटरनेट कनेक्शन को कंटिन्यूस बनाए रखता है। उसके अंदर एक आउटपुट डिवाइस होता है, उसे हम कहते हैं लैन पोर्ट, लोकल एरिया नेटवर्क, ईथरनेट पोर्ट। जो उससे निकलने वाला आउटपुट का जो RJ45 कनेक्टर होता है वो आपके राउटर के अंदर इंसर्ट होता है और उससे आपका इंटरनेट चलता है। बेसिकली पीओई डिवाइस लगाने का मेन पर्पस इंटरनेट प्रोवाइडर का ये होता है कि उसने जो आपके घर की टेरिस पे या बिल्डिंग पे या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर जो अपना सेटअप लगाया हुआ है राउटर का या स्विचेस का, ये डिवाइस उस नेटवर्क सेटअप को जो कि आपके नेटवर्क प्रोवाइडर द्वारा आपके टेरिस पे लगाया गया उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है इन केस इन इमरजेंसी और फॉर नॉर्मल यूज। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये अडेप्टर कितनी बिजली कंज्यूम करता है, क्योंकि अगर आप इसको भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बिजली का बिल इस बार बढ़ने वाला है। और ये आपको लगेगा बहुत छोटा डिवाइस, बट अगर आप इसे पूरे दिन ऑन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पे करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये डिवाइस दिखता कैसा है और ये होता कैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा अभी आप देख सकते हैं, मैंने इस टाइम अपने घर पे जो राउटर लगवा रखा है वो टीपी लिंक का है और इट इज ए ड्यूल बैंड राउटर। और यहाँ पर इसका जो पावर जो पोर्ट है वो यहाँ पर 3 प्लग के अंदर लगा हुआ है। अगर मैं आपको इसके बैक साइड में ले चलूं तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके वैन पोर्ट के अंदर एक वायर आ रही है RJ45 कनेक्टर की और एक पावर प्लग लगा हुआ है जिसका सेपरेट पावर बोर्ड लगा है 3 प्लग के अंदर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा डिवाइस क्या है, तो ये है पीओई डिवाइस। ये जो वायर बाहर से आ रही है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मेरे नेटवर्क प्रोवाइडर ने इसको प्रोवाइड कराया है और यहाँ पर ये वायर आके इस पीओई डिवाइस में लग रही है। यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, पीओई और लैन। तो इस सेक्शन के अंदर जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये यहाँ पर लगा हुआ है, दोनों RJ45 पोर्ट हैं। अब इसका जो आउटपुट पोर्ट है लैन वाला वो मेरे राउटर में जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि अब ये जो पीओई डिवाइस है ये ऐसा काम कर रहा है कि जो ये वायर है कैट फाइव, इस वायर के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइडर जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है वो अपने ऊपर लगे सेटअप को मेरे घर से बिजली दे सकता है। तो काफ़ी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती, लेकिन आपको मैं इस चीज़ से अवेयर करना चाहूँगा क्योंकि इंटरनेट वाला कभी भी आपको नहीं बताएगा कि ये डिवाइस आपके घर से बिजली ले रहा है उनके खुद के सेटअप के लिए। तो आप इंटरनेट का पैसा पे कर रहे हो उसे, ना कि उसको उसके सेटअप को चलाने के लिए बिजली का। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और आप हमें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं TheTechLove.com, और हमारी वेबसाइट पर भी ज़रूर जाएं TheTechLove.com पर, और वहाँ पर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बहुत सारी ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के अंदर।